हजारीबाग जिले के बरी निवासी स्वर्गीय रूपेश पांडे जघन्य मॉब लिंचिंग मामले पर शुरुआती दिन से ही मुखर रहे हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में निरंतर जस्टिस फॉर रूपेश पांडे की मुहिम को लेकर मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। बुधवार को भी वे सदन पटल पर इस मामले को लेकर गूंजते नजर आए। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि सत्ता पक्ष एक आंख में काजल तो दूसरे में सुरमा लगाकर पक्षपात कर रही है, लेकिन हजारीबाग के बेटे के साथ यह बर्ताव हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक मनीष जायसवाल ने सदन के माध्यम से सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब हम सरकार से जानना चाहेंगे इस कांड में नामजद अभियुक्त 27 लोगों में से अब तक 5 की गिरफ्तारी क्यों हुई, तो सरकार द्वारा जवाब मिला कि छापेमारी जारी है और अभियुक्त मिल नहीं रहे हैं। इस पर विधायक श्री जायसवाल ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभियुक्त बरही चौक और बरकट्ठा में सरेआम बेखौफ होकर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार की इन्हें गिरफ्तार करने की मंशा ही नहीं है और सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन काम कर रही है। विपक्ष के साथियों द्वारा भाजपा पर राजनीति करने के आरोप पर प्रहार करते हुए विधायक मनीष जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम भाजपा के लोगों ने इस मामले को सरकार तक पहुंचाया और हमारे संघर्ष का ही नतीजा रहा कि 7 दिनों के बाद सरकार की नींद खुली और उनके मंत्री एवं सत्ताधारी दल के विधायक केवल खानापूर्ति के लिए पीड़ित परिवार के बीच मजबूर होकर पहुंचे। विधायक श्री जायसवाल ने कहा कि जब 2 दिन पूर्व पीड़ित परिवार के लोग मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने भी झांसा देकर पीड़ित के परिजनों को ठगने का काम किया। सरकार समुदाय विशेष के लोगों को बचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन हम न्याय मिलने तक अपना संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। हजारीबाग डेस्क की एक खास रिपोर्ट।